फिलिपे मासा को 2009 में हंगेरियन ग्रांड प्री के दौरान एक भीषण दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जब दूसरी कार के इस सस्पेंशन स्प्रिंग मासा की हेलमेट पर तेज गति से टकराई। मासा ने होश खो दिया और टायर बैरियर में जा टकराए, जिससे सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया और उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई, जिसमें उनके मस्तिष्क पर दबाव को कम करने के लिए उनके स्कल का टुकड़ा भी निकालना पड़ा। मेडिकल टीम की तेज कार्रवाई और उनकी खुद की शारीरिक फिटनेस की वजह से मासा दुर्घटना से बच गए। अपनी चोटों के बावजूद मासा रेसिंग में लौटने के लिए दृढ़ थे और कुछ महीने बाद ही उन्होंने वापसी की।